बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट एंड चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच टाइम राजा शफकत अली तारा मुखातिब हूँ। आज हमारे तमाम जुम्मेदार तमाम मेम्बरान यहाँ बैठे हैं और पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट का मिशन सियासत नहीं इंसानियत की खिदमत है। पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट आवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन जिस मुल्क में सिविल सोसाइटी एक्टिव होती है उस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होती। पाकिस्तान फौज हमारी पाक फौज पाकिस्तान पुलिस ISI MI IB तमाम एजेंसीज पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रही है जिसमें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सिविल सोसाइटी को मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पुलिस के हकूक के लिए, क्योंकि ये मिशन मेरा नहीं हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मिशन है जिन्होंने पहले दफा पुलिस बनाई फौज बनाई। आज पूरी दुनिया के अंदर ओवरला कनाडा अमेरिका यूरोप बहुत सारी कंट्रियों में वो कानून आज भी चल रहा है, वहाँ आवाम और पुलिस का अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हमारी पाकिस्तान पुलिस दुनिया की नंबर वन पुलिस है जो बगैर सहूलतों के आवाम की खिदमत कर रही है। ये बात हम लोगों ने लोगों में पहुँचानी है, एक मैसेज है जैसे इस्लाम के लिए लोग दर्स देते थे इस तरह हम दर्स देना है कि पाकिस्तान पुलिस एक वाहिद पुलिस है जिसके पास ना मेडिकल पैनल है ना रिहायशी सोसाइटियाँ हैं ना स्कूल पैनल पे है ना शहीदों का कब्रिस्तान है। पाकिस्तान में तमाम डे मनाए जाते पुलिस डे नहीं मनाया जाता। 2015 में पेशावर के अंदर जावेद जमील फारूकी उस वक्त AIG थे और वहाँ के सदर इश्तियाक नूर चमकानी साहब थे, वहाँ के वजीर कानून आरिफ यूसुफ साहब थे, उन्होंने ये बिल पास किया। सफ़े गायूर साहब थे, AIG साहब शहीद हुए थे धमाके में, उनके नाम ये बिल पास हुआ। ये बिल आज पूरे पाकिस्तान में फैलता है और पूरे पाकिस्तान में 4 अगस्त को यौम शहदा मनाया गया। तो ये अच्छी बात है कि उनके शहीदों के लिए दिन मनाया गया, लेकिन जवानों के लिए भी एक सरकारी तौर पे दिन होना चाहिए। पुलिस के बच्चों को, पुलिस वाले के बच्चे को जॉब के लिए जैसे सन कोटा ब्लॉक किया हुआ है, सन कोटा खोल के उसको बगैर सिफारिश के भर्ती किया जाए, क्योंकि उनके माँ बाप ने या उसके वालिद ने या उसके भाई ने या उसके चचा ने या उसकी फैमिली ने एक अदारे को 30 साल दिए हैं, उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब से ये हमारा पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट बनी है, बेवाओं के बहुत सारे मसले थे, शहीदों की बेवाओं के बहुत सारे मसले थे, वो अल्लाह का शुक्र अब कोई मसला नहीं। हमारे IG इस वक्त जो सिंध के IG मुश्ताक मेहर और AIG जो पुलिस चीफ है हमारे गुलाम नबी मेमन साहब, वो इस दौर के वली हैं। वो पुलिस और आवाम के लिए बराबर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है उसको लेके चल रहे हैं। और आज पुलिस के अंदर एक बहुत सारी अच्छी फिजा कायम हुई है, पुलिस और आवाम में अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है। AIG गुलाम नबी मेमन साहब और IG साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि पुलिस के पास अगर आवाम आए तो आवाम को इज्जत दो, उन्हें चाय पूछो पानी पूछो, और ये बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। तो इसके लिए आला अफसरान जो इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अभी उन्होंने मेडिकल पैनल का ऐलान किया जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे, उसे 3 लाख इंश्योर्ड भी रखा। इसी तरह शहीद कोटा सन कोटे को बहाल किया जाए जो उनका राइट बनता है, और सिविलियन जो सिविल सोसाइटी के लोग पुलिस में जॉब करना चाहते हैं, देखिए पुलिस में हर आदमी नहीं आता, ये फौज में हर आदमी नहीं जाता, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है। अगर वो पुलिस फोर्स में आ रहा है तो मुल्क की खिदमत करने आ रहा है, तो उसको बगैर सिफारिश के भर्ती किया जाए, और ताकि पाकिस्तान पुलिस जो हमेशा मैं कहता हूँ दुनिया की नंबर वन पुलिस है। मोटरवे पुलिस रिश्वत इसलिए नहीं देती कि मोटरवे पुलिस का स्टेटस बहुत अच्छा है, उनको वो तमाम सहूलतें मिली हुई हैं, लेकिन हमारे जवान आज रोडों पे खड़े होकर पानी तक नहीं पूछता, क्योंकि सियासी पार्टियों ने सियासी दबाव की वजह से पुलिस से लोग खौफ ज़्यादा हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस का कोई जाति दुश्मन नहीं, जो आवाम का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पुलिस का भी दुश्मन है, फौज का भी दुश्मन है, एजेंसीज का भी दुश्मन है। तो पाकिस्तान के तमाम मेम्बरान जो हमारे अहदेदार बैठे हैं, अपने अपने इलाकों में लोगों के मसाइल सुने, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं,
वो हल करें, किसी भी छूटी एफआईआर कट जाती है तो एफआईआर कटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एफआईआर सी क्लास होती है, इन्वेस्टिगेशन के दायरे बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है पुलिस में सारे इस वक्त, कुछ लोग मेरा ले 100 में से 5% ऐसे भी होंगे जो उनके रवैये अच्छे नहीं है, उनकी कंप्लेन करेंगे ये बंदा गलत कर रहा है, आवाम के साथ गलत डील कर रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज करें, उसके साथ रैली निकालें। चीफ साहब बैठे हुए हैं, गुलाम नबी मेमन साहब, आईजी साहब बैठे हैं, इस वक्त हमारे डीआईजी बहुत अच्छे अफसरान बैठे हुए हैं, सारे ऑनेस्ट अफसर बैठे हुए हैं, एसएसपी, मैं नाम लूंगा बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहता हूँ कि एसपी लेवल या एएसपी लेवल पढ़ लिख के आते हैं, उनको नहीं पता कि स्पाई किस मेहनत से बना है। जब वो एएसपी बनता है उसको सारी चीज़ें मिली होती है, घर भी मिला होता है, गाड़ी मिली होती है, नौकरी मिला होता है, राशन मिला होता है, वो समझते हैं कि सब अच्छा है। वो आते ही पुलिस के एक बंदे की कंप्लेन होती है, सस्पेंड, डिसमिस। तो इस पर हमेशा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, हम ये अदारा एक स्पाई से लेकर डीएसपी तक बने, हम एसपी लेवल्स के लोगों के लिए नहीं बने, हम एक मजलूम तबके के लिए बने जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में तमाम कंप्लेन सेंटर होते हैं लेकिन पुलिस का अपना कोई कंप्लेन सेंटर नहीं है। पुलिस के भी अपने प्रॉब्लम होंगे, उनकी फैमिलीज प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, उसके लिए भी कंप्लेन सेंटर होना चाहिए और मिलके पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान है तो हमें अपने मुल्क की एजेंसियां जो हमें मुल्क की हिफाजत कर रही है वो हमारे बड़े, उनका एहतराम करना हमारे पे फर्ज है। और इंशाल्लाह मिलके पाकिस्तान की सलामती के लिए हम सब ने रोल अदा करना है, खास तौर पे सिविल सोसाइटी ने। तो दुआ कर लेते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की तरीन मुल्क बना, और अल्लाह पाक जो हमारी फौज, पाक फौज, जिसने सरहदों पे मुल्क की हिफाजत करी, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत अता फरमा, उनकी सलामती अता फरमा। हमारी ISI, MI, IB, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस जो काम कर रही है, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान से दहशतगर्दी का वजूद हमेशा के लिए खत्म कर दे। या अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान दे जो अवाम के लिए सोचें। या अल्लाह हमें ऐसे लोग अता फरमा। या अल्लाह हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, हमें इंसान समझ के माफ फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, मौला मशहूर शाह के सदके, हजरत अली के सदके, इमाम हुसैन के सदके, अब्दुल्ला शाह गाजी, नूरी बाबा, दाता दरबार, जी शाह नूरानी, शहबाज कलंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जितने पीर फकीर खास तौर पर मुर्शिद गौस पाक, पीरों के पीर दस्तगीर के सदके। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो भी तकलीफें हैं इस वक्त, जो भी मुश्किल है, अवाम बहुत परेशान है, अल्लाह पाक पाकिस्तान में रोजगार दे और इस मुल्क से जो परेशानियों से खत्म कर। या अल्लाह जिन लोगों की कोई वसीला नहीं है मेरे अल्लाह, उनका आप वसीला हो, हमें भी इस काबिल करें। जिस तरह चीपा, ईदी और जफर अब्बास भाई JDC के काम कर रहे हैं, हमें भी अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए तौफीक दे, हमारी गैब से मदद आ फरमा। और अल्लाह पाक, हमने इस अदारे का 10 साल से अकाउंट नहीं खोला, हम बहुत मुश्किल में औदों को डिसाइड करने में, नहीं फैसला हो रहा 10 साल से, तो अल्लाह पाक इसमें आसानी अता फरमा। या अल्लाह हमें इस पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सोसाइटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।